Hello to all my dear students. Let's start with volume 2 of class 4th syllabus, that is chapter 5 division. First volume में हमने सारे basic concepts देखे हैं, properties of division, how to do division on the basis of repeated subtraction and so many aspects we have seen. I have covered the लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आएंगे आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आएंगे. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में पूरे ही एक्सरसाइज का और आपके पूरे सिलेबस का कवर अप होता है, तो हम उतना ही लेकर चल रहे हैं. ओके, वी आर टीचिंग एंड स्टडिंग ऑन द same purpose according to the correct CBSE syllabus. We are focusing on that. So, इस volume में we will learn about practical, okay? Practical division, practice questions. So, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बहुत न्यू थिंग्स नहीं है, आपके लिए यूज़ टू है. क्लास थर्ड में आपने डिवीजन के पार्ट्स को सीखा भी है. ओके, सो हम इसमें लॉन्ग डिवीजन्स और शॉर्ट डिवीजन्स दोनों इसमें सीखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, जो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज है, तो ये मेन चीज़ है आपकी आ गई है. ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस. हमारे पास एक एक्सरसाइज 5C है. देखिए यहाँ पे फाइंड द क्वेश्चंस ऑफ ईच डिवीजन, वेरीफाई योर आंसर्स. तो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, वी नो दैट व्हेन वी डू डिवीजन, जब हम डिवीजन करते हैं तो हमारे पास डिविडेंट होता है, डिवाइज़र होता है, क्वोशेंट होता है, रिमाइंडर होता है. चार चीज़ें होती हैं. डिवाइज़र वो होता है जो डिवाइड करता है. अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज़ करिए ये क्वेश्चन है आपके पास 840 डिवाइडेड बाय 4. तो डिवाइडेड बाय 4 हो रहा है, तो हमेशा आप याद रखिए कि 4 यहाँ पे डिवाइज़र है. जो डिवाइड करता है वो डिवाइज़र होता है. सो 4 इज़ द डिवाइज़र. 840 इज़ द डिविडेंट. ओके, व्हाट इज़ डिविडेंट, विच विल बी डिवाइडेड, जो डिवाइड होगा किसी से. डिवाइड कर कौन रहा है, विच नंबर इज़ डिवाइडिंग, 4 इज़ डिवाइडिंग. सो 4 इज़ द डिवाइज़र. ओके, लेट मी राइट इट फॉर यू. Four is the divisor. Okay, divisor. जैसे हम लोग टीचर्स हैं ना, जो टीच करते हैं आपको, वो क्या होते हैं, टीचर्स. सो 4 इज़ द डिवाइज़र. 4 डिवाइड कर रहा है यहाँ पे. ओके, एंड 840 इज़ द डिविडेंट. ओके, डिविडेंट. तो अब डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है उसको हम कहते हैं क्वोशेंट. ठीक है, जो आप जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है ना क्वोशेंट, ये याद रखिए बच्चों की आप क्वोशेंट और क्वेश्चन में फ़र्क समझिएगा. ओके, क्वेश्चन इज़ डिफरेंट एंड क्वोशेंट इज़ डिफरेंट. क्वोशेंट इज़ द आंसर ऑफ द डिविजन. ओके, सो विल आई विल जस्ट रब ऑफ दिस स्टूडेंट्स. सो सी नाउ इट्स हियर इट इज, फाइंड द क्वेश्चंस ऑफ ईच डिवीजन. क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चंस, नॉट द क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चंस ऑफ ईच डिवीजन एंड वेरीफाई योर आंसर्स. So these all questions which are here, okay, they are very very simple. तो जैसे क्लास टीचर क्लास में करते हैं, okay, they are not telling every question, but they are giving questions for homework also. So here also I will be uploading your homeworks also, but here I will be teaching you. बस बच्चों आप ये याद रखिए कि आपका मोबाइल फ़ोन ब्लैक बोर्ड है, एकदम ब्लैक बोर्ड की तरह आप समझिएगा इसको.
सो हम इसको देखते हैं। अब आप में से कोई कोई बच्चे जो है इसको स्किप भी कर देंगे, आपको आता है ऑलरेडी, है ना, तो बट स्टिल वी आर गोइंग टू लर्न इट। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, 204 डिवाइडेड बाय 2। आप स्किप ना करें बच्चों, क्योंकि इसमें भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। ओके, सो लेट्स स्टडी। सबसे पहले वी हैव टेकन द नंबर 204, सो विल राइट 2 डिवाइडेड बाय 204, और लेट मी टेक द अदर कलर, जस्ट अ मिनट, विल टेक दिस वन, या सो 2 डिवाइडेड बाय 204। ओके, सो विल सी हियर 2 1s are 2 एंड दिस इज 0। ओके, वन टाइम इट इज गोइंग, सो 2 1s are 2 विल राइट, एंड नाउ वी विल टेक दिस डाउन, हम इसको नीचे लेके आएंगे 0। द नेक्स्ट नंबर वी विल टेक डाउन एंड वी राइट हियर 0। बट नाउ यू सी 0 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, सो वी विल टेक 4 ऑल्सो, वी विल टेक 4 ऑल्सो। जब हम 2 नंबर्स को ब्रॉड डाउन करते हैं, 2 नंबर्स को साथ में ब्रॉड डाउन करते हैं, कभी भी याद रखिए, एक नंबर नहीं बट 2 नंबर्स साथ में ब्रॉड डाउन करते हैं, तो पहले हम कोशेंट में पहले 0 लगा देते हैं। ये एक रूल है विच यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो नाउ वी विल पुट 0 इन द कोशेंट एंड नाउ वी विल रीड द टेबल। अब हम टेबल को पढ़ेंगे। सो 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, सो यू सी 0 4 और 4 आर द सेम, सो 2 2s are here 4, 0 4, एंड देन यू विल सब्ट्रैक्ट, अगेन यू विल हैव 0 0, रिमाइंडर इज 0। सो आपका क्वेश्चन क्या फर्स्ट में आया है 102। ओके स्टूडेंट्स, 102। सो लेट्स सी अदर एग्जांपल। लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 3। ओके, 644 डिवाइडेड बाय 2, इट्स ए 644 डिवाइडेड बाय 2, सो ऑलवेज यू विल राइट लाइक दिस, नो नीड ऑफ दिस, सो जस्ट राइट इट। So here, so first of all you will take the first digit, सबसे पहले हम पहले digit को लेंगे। So 2 का table हम पढ़ेंगे, तो 2 किस से multiply होके हमारे ये dividend आ रहा है, first dividend, हमने यहाँ पे 6 को लिया है। Okay, so which number you will take as factor that the product will come, okay? सो 2 किस से मल्टीप्लाई होगी, 6 आएगा, सो 2 विल रीड द टेबल ऑफ 2, और इसी तरह से जो भी डिवीजन आपको करने हैं स्टूडेंट्स उसका आप टेबल पढ़ोगे इस तरह से। सो 2 3 6, वी नो 2 3 एग्जैक्टली 6 है। ओके, 2 3 6, वी विल सब्ट्रैक्ट, विल कम 0, 4 यू विल राइट हियर, सो 2 2 4 सब्ट्रैक्टेड, अगेन 2 2 is 4, and they will be cancelled. So 322 is the quotient. Okay, 300 is the quotient. Okay, you see. Then now you can see there are many questions here, there are remainder questions also here, so we will now do remainder questions. Okay, we will take any suppose I take question number 5. Let's do question number 5. 864 divided by 2, so
864 divided by 2. So 2 4s are 2 4s are right 8 and subtract it will come 0 then 6 aap 6 utar loge then 2 3s are 6 4 will come down 2 2s are 4 so it will cancel so you see here 432 is the quotient ab suppose kariye students ki hum ek sabse pehle ek odd number lete hain we take an odd number okay for that Suppose I take 999 divided by 3. Okay. Suppose I take 999 divided by 3. So 999. This will Three and done. So 3 3s are 9. Again 9 will come down. This is 0. Here again 9. 3 3s are 9. Again 0. Bring down 9. 3 3s are again it will be 9. Okay, 0. Let us do another 999 divided by 2. Okay. We will take on our own. Let us take 999 divided by 2. So first of all you read the table or hum first digit sirf lenge. Okay students we will take only the first digit. So first digit 9. So you will read the table of 2. Okay. तो जब 2 का टेबल हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे टेबल्स कहाँ तक आ रहे हैं सो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 ओके सो हमारे पास आ रहा है 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा इस 10 सो इसमें से आप कौन से लोगे 2 4 ज़ा 8 लेंगे क्या 2 5 ज़ा 10 लेंगे डिवीज़न में हम मल्टीप्लाई करने के बाद ऑलवेज स्मॉल नंबर और इक्वल नंबर लेते हैं जैसे हमने इसके पहले किया तो हमारे पास इक्वल नंबर आ रहे थे वी डिवाइडेड बाय 999 बाय 3 तो 3 3 इज 9 3 3 इज 9 करके हमारे पास आ रहे थे आंसर डायरेक्टली आंसर्स आ रहे थे ओके बट जब डिवीज़न करते हैं तो डिवीज़न या तो इक्वल होना चाहिए उससे छोटा हमको लेना है कि हम कंप्लीट डिवीज़न को कर पाएँ सो Here, what you have to do? 2 4s are 8. We will take 2 4s are 8. Then we will minus. So 9 minus 8 equals to 1. 1 हमने लिख लिया. अब हम 9 को ब्राउट डाउन करेंगे इस तरह से. 9 हमने लिख लिया यहाँ पे 19 आ गया. अब 2 का टेबल हमें ऐसा पढ़ना है स्टूडेंट्स कि हमारे पास 19 से लेस आए. ओके और इक्वल टू 19 है तो 2 के टेबल में क्या 19 आता है नो बिकॉज 2 9s इज 18 2 9s क्या होता है 18 हो जाता है तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जब 9 से तो आता है हमारे पास 18 हमने इसके लेस नंबर को ले लिया
बिकॉज इक्वल नहीं आ रहा तो हम लेस लेंगे, ताकि हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना है. ओके, सो इट विल कम 1. 9 में से 1 गया, 1 चलेगा, 1 मिस 1 0. देन अगेन यू विल ब्रिंग डाउन 9. देन अगेन 2 9s आर 18. 2 9s आर 18. 19 में से 18 माइनस करेंगे, बच गया हमारे पास 1. 1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा R. ठीक है, इस तरह से हम डिवीजन को करते हैं. ये स्मॉल डिविजन्स हैं स्टूडेंट्स, बहुत इजी है. आपको क्या बस करना है, आपको फर्स्ट डिजिट पहले देखना है कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जब फर्स्ट डिजिट डिवाइड हो जाएगा, आपको पहले ही टू डिजिट नहीं लेना है, पहले फर्स्ट डिजिट चेक करना है हमको. पहले अगर फर्स्ट डिजिट उसके टेबल में आ रहा है तो हमें फर्स्ट डिजिट लेना है. ओके, चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज़ करिए हम लेते हैं यहाँ पे 199 और उसको हमको 2 से डिवाइड करना है. ओके, लेट अस टेक 199. कि आपको समझ में आए कि हम 2 डिजिट किस कंडीशन में लेते हैं. ओके, जस्ट गिव मी सम टाइम स्टूडेंट्स, बी पेशेंट इन दिस बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग, वी डोंट हैव द ब्लैक बोर्ड हियर, आई हैव टू डू लाइक दिस, सो जस्ट टेकिंग सो मच टाइम. ओके, तो वी विल टेक 2 को डिवाइड कर रहे हैं 199 से. तो इसमें 1 फर्स्ट डिजिट जो है हमारा 1 है, तो 1 2 से ऑलरेडी छोटा है तो हम उसको नहीं ले सकते हैं डिवीजन के लिए, तो हम डायरेक्टली 2 डिजिट लेंगे. जब पहली बार में हम 2 डिजिट लेते हैं तो हम 0 नहीं लगाएंगे. ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया है, रिमाइंड करके भी देख सकते हो, तो वहाँ पे हमने 204 लिया है. ओके, 204 वी हैव टेकन, वी हैव डिवाइडेड बाय 2. तो वहाँ पे जब 2 अंदर 2 हमने कर लिया, तो उसके बाद जब 2 नंबर्स ब्रॉट डाउन कर रहे हैं तब हमने 1 के बाद 0 लगाया. जब यहाँ पे 2 नंबर्स हम पहले ही ले रहे हैं तो यहाँ हम 0 नहीं लगाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखिएगा आप. सबसे पहले हम देखेंगे तो 2 को हम यहाँ पे 2 डिजिट ले रहे हैं 19. ओके, डायरेक्टली वी विल टेक 19 हियर, तो 2 9s आर 18 हम कर देंगे, 2 9s आर 18. देन वी विल माइनस सब्ट्रैक्टेड, तो 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1, एंड देन विल ब्रिंग डाउन 9 अगेन, राइट डाउन 9 हियर, 2 9s आर 18 अगेन, एंड 1 विल बी रिमाइंडर. ओके, इस तरह से, एंड दिस वे यू हैव टू डू. ओके, अंडरस्टूड, आई होप ऑल द स्टूडेंट्स आर क्लियर. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मैं आपको बस बताना चाहती हूँ कि दैट ऑल दीज क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस विदाउट रिमाइंडर. ये बिना रिमाइंडर के क्वेश्चंस हैं, एंड दिस विल बी गिवन टू यू एज योर होमवर्क. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल विल डू इट एंड शो मी द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव डन. ओके, सो दिस इज़ वेरी सिंपल. ओके, यू हैव टू डिवाइड एंड टेल मी. आई होप यू विल बी डूइंग इट एंड शोइंग इट टू मी वेरी सून. ओके, आई विल टेक 2 मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस हियर. लेट्स डू 2 मोर क्वेश्चंस. विल टेक क्वेश्चन नंबर 10 एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 16, द लास्ट वन, 10 एंड 16. सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10. 283 डिवाइडेड बाय 5. ओके, अगेन वी टेक 283 डिवाइडेड बाय 5. लेट्स से two
डिवाइडेड बाय 5। सो तो 5 हमें लेना है, 5 को 28 से हमें डिवाइड करना है, ओके 28 को 5 से डिवाइड करना है, सॉरी। सो वी विल स्टडी द टेबल ऑफ 5। 5 5 5 5 2 10 5 3 15, 5 4 20 5 5 25 5 6 30, ऐसे हम टेबल पढ़ेंगे। तो अब हमको देखना है 28 से क्या कौन सा नंबर जो है आपके उससे लेस जा रहा है या इसके इक्वल जा रहा है। तो वी आर टेकिंग 5 5 25, सो 5 5 25 वी विल राइट डाउन, ओके। सो 8 - 5 = 3 एंड 2 - 2 = 0 एंड यू विल राइट हियर 33। तो 5 5 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35। सो 5 6 अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा 30, तो हमने 5 6 30 ले लिया, ओके स्टूडेंट्स। सो 3 इज़ द रिमाइंडर, क्योंकि और रिमाइंडर याद रखिए हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, ओके स्टूडेंट्स, तभी वो रिमाइंडर है, ओके क्योंकि वो अगर छोटा नहीं है तो उससे डिवाइड ऑलरेडी हो सकता है, बट इट इज़ इफ़ इट इज़ लेस देन यू आर गोइंग टू टेक इट एज रिमाइंडर। सो 3 इज़ लेस देन 5, यू आर गोइंग टू टेक इट एज रिमाइंडर, ओके स्टूडेंट्स। ओके लेट मी रब ऑल दिस। So, you see, all these questions, let's take this example, 674 divided by 7. So, suppose करिए हमने 3 numbers लिए हैं, तो 7 का table जब हम पढ़ेंगे, imagine करिए division के form में already है, 7 1 7 7 2 14, तो फर्स्ट डिजिट जब हमारा डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 2 डिजिट्स को ले लेंगे इसमें डिवाइड करने के लिए, ओके 7 7 7 2 14 7 3 21 7 4 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 7 10 17। तो 7 9 देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स 63 आ रहा है और 7 10 70, तो आपको पता है 63 लेस देन है 67 से और 70 ज़्यादा है, तो आपको हमेशा कम वाला लेना है या इक्वल वाला लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 7 9 63 लिख देंगे और 67 में से 63 माइनस करके आपने लिख दिया, फिर आप 4 को ब्रॉड डाउन करेंगे एंड देन यू विल डू दिस क्वेश्चन, ओके इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट्स, ओके हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड डू दिस एज योर होमवर्क, ओके जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। आई वॉज टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 16 हियर, 492 divided by 8, इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। आप 8 का टेबल पढ़ेंगे, आप 2 नंबर्स ले लेंगे, ओके एंड अकॉर्डिंगली यू विल डू दिस। 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48, ओके लाइक दिस। सो 8 6 48, सो यू विल राइट लेस देन नंबर, तो 48 लिख देंगे हम, ओके 49 में से 48 माइनस कर लेंगे तो 1 आ जाएगा और 12 लिख देंगे हम, ओके डोंट वरी अबाउट द रिमाइंडर, रिमाइंडर विल कम। सो 8 1 8 8 2 16, सो हम 8 2 16 नहीं लेंगे, 8 1 8 ले लेंगे अगेन, ओके लाइक दिस यू हैव टू डू इन द फॉर्म ऑफ डिविजन। If you want, I will give you the help of the examples also. You, if you have the book, you can take the help of the examples also and you can learn from there. Okay, students? Let's do this one now. Divide 1, 4, 7, 8 by 5 and check your answer. Okay? 1478 divided by 5. So, let's do. सी हियर, हमने यहाँ पे सबसे पहले 14 नंबर हमारे पास है, तो हमने 2 नंबर्स को लिया है, तो 2 नंबर्स को लेके हम अब टेबल को बढ़ेंगे। सो 5 1 5 5 2 10 5 3 15,
तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले आपको बताया कि टू नंबर जब ले रहे हैं तो जब हमारा जो आंसर आ रहा है वो लेस देन होना चाहिए इक्वल. सो 5 2s are 10. वी विल नॉट टेक 5 1s are 5, बट हम नियरेस्ट लेस लेंगे, नियरेस्ट लेस नंबर जो हम माइनस कर सकते हैं. 5 3s are 15 वी विल नॉट टेक बिकॉज इट इज़ मोर देन. ओके, जब मोर देन होगा तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा स्टूडेंट, इसीलिए हम लेस देन लेते हैं. सो 5 2s are 10 एंड देन यू विल सब्ट्रैक्ट. तो 14 में से 10 माइनस हो गया, 4 में से 0 माइनस हो गया, 4 आ गया, 1 - 1 is 0. ओके, 1 - 1 is 0. देन अगेन 7 विल बी डाउन, 7 ब्रॉट डाउन करेंगे हम, तो हो गया हमारा 47. 5 9s are 5 को 9 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 45. बिकॉज आप टेबल पढ़ेंगे तो आपको खुद क्लियर होगा कि स्टूडेंट्स के आपको कौन सा नंबर लेके जाना है. ओके, तब आप 5 का टेबल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. तो 5 5 8s are 40, 5 9s are 45. तो हमें 40 नहीं लेके जाना है, ये याद रखें हमेशा आप. यू विल नॉट टेक 40, यू विल टेक 45. तो 5 9s are 45 एंड देन यू विल सब्ट्रैक्ट. सो 47 - 45 सो इट विल कम 2. तो 2 हमारे पास आ गया. अब हमारे पास एक और नंबर लेफ्ट आउट है डिवीजन में, तो हम उसको भी ब्रॉट डाउन करेंगे, 28. ओके, यू विल ब्रिंग डाउन. देन अगेन यू विल रीड द टेबल. जब टेबल पढ़ेंगे तो वी विल हैव 5 5s are 25. यू कैन सी हियर. सो वी विल माइनस दिस, सब्ट्रैक्ट दिस. 8 - 5 = 3, 2 - 2 = 0. अब जो रिमाइंडर हमारे पास बच गया है 3, ये किससे लेस है? 5 से लेस है. रिमाइंडर स्टूडेंट्स वही होता है जो लेफ्ट आउट होता है, जो बच जाता है, जिसको डिवाइड हम नहीं कर पाते हैं फर्दर, एंड दैट इज़ लेस देन द डिवाइज़र. ऑलवेज रिमेंबर दिस, हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है, तभी तो वो बच गया है, तभी तो वो उसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है. अगर सपोज़ करिए हमारे पास लास्ट में 5 बचता, ओके, तब हम 5 5s are 5 करके इसको एंड कर देते, ठीक है, बट इट इज़ लेस. सो लाइक दिस डिवीजन इट इज़ डन. सो वेरिफिकेशन क्या होता है हमारा? वेरिफिकेशन है एक फॉर्मूला. ओके, वेरिफिकेशन इज द फॉर्मूला. डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड. ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस. वेरिफिकेशन के लिए डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड. ऑलवेज रिमेंबर, जब हम 12 / 3 कर रहे हैं तो हमें पता है 3 × 4 करेंगे तो हमेशा हमारे पास 12 आएगा. एग्जैक्ट डिविजिबल के केस में हम क्या, हमारे पास जो फार्मूला आता है वो होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट. बट जब रिमाइंडर होता है हमारे पास, तब हम रिमाइंडर को प्लस कर लेते हैं कि हमारे पास डिविडेंट आ जाए. ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि रिमाइंडर लेफ्ट आउट हो जा रहा है. अब आप सोचिए स्टूडेंट्स, जो रिमाइंडर लेफ्ट आउट हो जा रहा है उसका क्या मतलब है? व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट दैट शुड बी माइनस्ड, दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड इन ऑर्डर टू हैव द एग्जैक्ट डिविजिबिलिटी. सपोज करिए ये जो नंबर है आपके पास यहाँ पे 1 4 7 8 की जगह पे यहाँ पर 1 1 4 7 5 होता. ओके, मे बी इट वुड हैव बीन 1 4 7 5. तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है, कैसे बच रहा है? व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग 28, ओके, व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग 25 फ्रॉम 28, तो यह लास्ट डिजिट आप देखिए 8. अगर ये 5 होता तो 25 और 25 डायरेक्ट माइनस हो जाते हैं,
तो हमारे पास रिमाइंडर इस केस में 3 नहीं बचता। तो इससे स्टूडेंट्स आपको क्या पता चलता है, दिस मेक्स यू क्लियर दैट द रिमाइंडर इज हैविंग समथिंग एक्स्ट्रा टू डिवाइड इट एग्जैक्टली। हमारे पास एग्जैक्ट डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास 3 एज रिमेन हो जा रहा है, बच जा रहा है, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा है। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दिस डिविडेंट 1478 इज कैरिंग 1478 जो आ रहा है 5 को 295 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो होगा 1475। ओके स्टूडेंट्स, 295 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास 1475। बट यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपके पास शो किया गया है प्लस रिमाइंडर भी हमें प्लस करना है, क्योंकि 1478 में रिमाइंडर भी एडेड है। वो रिमाइंडर बच जा रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे आपको फॉर्मूला ध्यान देना है। ओके, क्या फॉर्मूला है हमारा, डिविडेंट इज इक्वल टू, डिविडेंट क्या है 1478 है, डिविडेंट इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, 5 क्या है हमारा, डिवाइजर है, 295 क्या है, कोशेंट है, तो उसको मल्टीप्लाई करना है, बट रिमाइंडर को भी हमें प्लस करना है उसमें, तभी हमारे पास डिविडेंट ये आएगा जो हमारे पास अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आई एम गेटिंग यू, आई एम मेकिंग यू क्लियर। ओके, मैंने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे समझाया, आप उसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो। तो मीनिंग क्या है रिमाइंडर का, मैंने आपको बता दिया, जब कोई चीज़ एग्जैक्ट डिवाइडेबल नहीं होता है तो वो रिमाइंडर एज अ रिमेन बच जाता है, क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ द रिमाइंडर। आई होप डिविजन इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को जब हम बिल्ड कर रहे हैं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। दैट्स वाई आई थॉट टू टेक वन क्वेश्चन एंड देन टेल यू। तो इसको इस तरह से हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो लाइक इन दिस क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 5C आपको क्या करना है, डिविजन भी करना है और वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई आप कैसे करोगे, वेरीफाई आप ऐसे करोगे कि जब कोई भी नंबर आप डिवाइड कर रहे हो, ओके सपोज 999 यू आर डिवाइडिंग, तो आप चेक करिए कि 999 डिविडेंड जो है, ओके 999 इज इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं। आप फॉर्मूला से ही वेरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो यूज़ दिस फॉर्मूला विच इज़ गिवन हेयर। ओके, जस्ट हेयर ये जो फॉर्मूला गिवन है इसे आपको याद रखना है हमेशा। ओके, दिस इज़ द फॉर्मूला। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट के स्टूडेंट्स, ओके हेयर आई जस्ट टू गेट द प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स टेक द अदर एग्जाम्पल, डिवाइड 5340 बाय 5 एंड चेक योर आंसर। चेक करना है हमें वेरिफिकेशन के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स भी जब बुक में दिए होते हैं हम उसको देखते हैं। If the dividend is less than the divisor, we put a zero in the quotient and bring down the next digit. We continue to divide the number thus formed. Okay? इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि वो ये कैसे ये प्रूफ होता है। और ये ही एक आखिरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान में रखनी है, रेस्ट ऑल अदर थिंग्स आर क्लियर। और इससे अलग हट के कोई और चीज़ डिविजन में है नहीं, जो हमने पहले सीखा है दैट इज़ द मेन थिंग। ओके, और एक ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे और सारे आप दुनिया के कोई भी डिवीजन को फिर कर सकते हो, नथिंग इज़ यू नो एक्स्ट्रा अदर देन दिस। जो अदर क्वेश्चन हैं वो हमारे पास एक्सरसाइज में हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। दैट दे आर आई विल गिव यू इन द मास्टर कॉपी एंड यू हैव टू डू दैट। सो वी हैव गॉट मल्टीप्लीकेशन फैक्ट देयर एंड फ्यू मोर थिंग्स, but only these things are in your syllabus, so we will cover this first.
ओके तो हम देखते हैं कि 5340 को डिवाइड करने पे क्या आता है हमारा। तो फाइव सबसे पहले हम देख रहे हैं फर्स्ट डिजिट हमारा जो है वो 5 से ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है। 5 1 5 ही डिवाइड हो रहा है बट स्टिल वी विल टेक इट। 5 1 5 हमने माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया आंसर 0। और हम 3 को ब्रॉड डाउन कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 3 ब्रॉड डाउन करें तो 3 डिवाइड होगा नहीं, सो इसलिए हम यहाँ पे 2 नंबर्स को ब्रॉड डाउन करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको रिमेंबर होगा, मैंने आपको 2 बार रिपीट उसको किया है, 3री बार यहाँ पे हम लोग रिपीट कर रहे हैं, इस चीज़ को रिवाइज़ कर रहे हैं। जब 2 नंबर्स ब्रॉड डाउन करते हैं हमेशा हम उसको याद रखेंगे, हम पहले इसको क्वेश्चन में 0 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 5 हमने पहले ही लिख दिया है 0। ओके तब हम ब्रॉड डाउन करेंगे, अब फिर उसके बाद टेबल पढ़ेंगे। सो 5 5 4 ज़ा ओके 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 21, 5 6 ज़ा 30। सो वी विल टेक 30 हेयर, तो 34 यू विल सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम 34 एंड यू विल गेट 4 हेयर। सो 0 इज़ लेफ्ट इन द लास्ट, तो 0 वी विल ब्रॉड ब्रिंग डाउन हेयर अगेन, यू विल हैव 40, देन 5 8 ज़ा 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल्स टू 40। सो अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, अगेन दिस सेम फॉर्मूला, रिमाइंडर इज 0 बट अगेन यू विल टेक इट दिस फॉर्मूला। रिमाइंडर भले ही 0 है तो 0 का कोई मतलब है नहीं हमारे पास। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अगेन। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1068 विच इज़ द क्वेश्चन प्लस 0 इज इक्वल टू बैक अगेन द डिविडेंड 5340। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वेरिफिकेशन हो गया, ये हमारा डिविडेंट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आई एम क्लियर विथ यू। ओके सो दिस इज़ द थिंग, आई होप आई एम क्लियर। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स में यही ये बता रहा है, इट इज़ टेलिंग दैट इफ द डिविडेंट इज लेस देन ओके जस्ट अ मिनट इफ द डिविडेंट इज लेस देन द डिवाइजर वी पुट अ 0 इन द क्वेश्चन एंड ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट, वी कंटिन्यू टू डिवाइड द नंबर दस फॉर्म्ड। ठीक है, हम ऐसे कंटिन्यू कर देते हैं। एक्सरसाइज 5D में वेरी सिंपल इट इज़, दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज एंड आपको सिर्फ आपको 2 नंबर के डिवीजन को नहीं बट जस्ट 1 नंबर डिवीजन यू हैव टू सॉल्व हियर। तो 1 डिजिट से डिवाइड करना स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इजी होना चाहिए। हमने ऑलरेडी सारे प्रॉस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लिया है यहाँ पे एंड आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो हियर टेलिंग यू दैट यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 5D एंड 5C ऑल्सो एज योर होमवर्क। ऑल्सो आई विल अपलोड दिस ऑन होम बट आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो ऑल्सो सो दैट यू विल बी प्रिपेयर फॉर दिस एज योर डेली प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग, कीप मूविंग। थैंक यू।